हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, फैक्ट यानी कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया गया, जिसमें डिप्लोमा बीबीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है, कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। इसमें आपको सैलरी 10,000 पर मंथ मिल जाएगी। मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट निकल के आया है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या होने वाली है। तो हर एक चीज़ एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट चलते ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि फैक्ट की तरफ से आया गया। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटाइज के लिए वैकेंसी निकल के आया, जिसमें आपका अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी। बात कर लेते हैं डिटेल्स पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोग जनरल या तो ओबीसी कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए बीबीटेक में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। और अगर आप लोग SC ST कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए बीबीटेक में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। और इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 2020 या तो 2020 के बाद पास आउट की हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। जो लोग 2020 से पहले पास आउट किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग केरला स्टेट से बिलोंग करते हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। जो लोग दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बात कर लेते एज लिमिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम एज लिमिट यहीं पे 25 ईयर्स तक रखा गया है। और उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC EWS और PWD कैंडिडेट हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी और इसमें आपको स्टाइपेंड 10,000 पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हर एक डिसिप्लिन के साथ साथ उसका वैकेंसी का डिटेल्स यहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपके हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर लेना। टोटल ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 24 वैकेंसी निकल के आया है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, जिसमें आपका अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन 1 ईयर तक रहेगी और इसमें आपको स्टाइपेंड 8,000 पर मंथ मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग केमिकल, कंप्यूटर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल और कमर्शियल प्रैक्टिस में से 3 साल का डिप्लोमा की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ अगर आप लोग जनरल या तो ओबीसी कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए डिप्लोमा में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप लोग SC ST कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए डिप्लोमा में मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। और इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग 2020 या तो 2020 के बाद आपका डिप्लोमा पास आउट की हो तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। जो लोग 2020 से पहले पास आउट किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और उसके साथ अगर आप लोग केरला स्टेट में से बिलोंग करते हो तो ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। मैक्सिमम एज लिमिट यहीं पे 23 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC और PWD कैंडिडेट हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जैसे SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का और PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। डिसिप्लिन के साथ साथ वैकेंसी का डिटेल्स भी यहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपके हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर लेना। टोटल टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी 57 निकल के आया है। उसके अलावा अगर आप लोग इसके पहले कोई भी अप्रेंटिसशिप वगैरह करके रखे हो तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके अलावा अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या तो 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और अगर आप लोग आपके डिप्लोमा और बीटेक पे फाइनल ईयर पे हो तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यही पे ऑफलाइन रखा गया है। एप्लीकेशन करने से पहले फर्स्ट आपको MHRD नेट्स पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है जिसको आपको अच्छे से फिल करना है। और फिल करने के बाद उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, जैसे कि आपका क्लास 10 का मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ आपका 12th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और उसके साथ आपका डिप्लोमा और बीबीटेक का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके अलावा अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, EWS कैंडिडेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और PWD कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और उसके साथ आपका आधार कार्ड का सेल्फ
सिल्फर स्टेट फोटोकॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का सिल्फर स्टेट फोटोकॉपी आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर आपको मेंशन करना होगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप कौन सी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हो। वो मेंशन करने के बाद आपको उस एनवेलप को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है उसी एड्रेस पे 18 दिसंबर 2021 से पहले स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आपको वेबसाइट में से मिल जाएगी और उसके साथ आपको ईमेल पे भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके बी बीटेक और डिप्लोमा और उसके साथ आपका 10th का जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका बी बीटेक और डिप्लोमा का जो भी मार्क्स है उसका 50% वेटेज कंसीडर किया गया है और उसके साथ आपका 10th स्टैंडर्ड का जो मार्क्स है उसका 50% वेटेज कंसीडर किया गया है। और फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप लोग जाओगे तो उस टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको साथ में लेके जाना है जिसका डिटेल्स यहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपके हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। इसके बाद मैं आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो। इसमें फर्स्ट आपको एक रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करना होगा, उसके बाद आपको अपना नेम, आधार नंबर, एड्रेस यहीं पे फिल करना होगा। नेक्स्ट आपको आपका MHRD नेट्स पोर्टल का जो एनरोलमेंट आईडी है वो आपको यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ यहीं पे फिल करना होगा। अगर आप लोग को एज कैलकुलेट करने में कुछ दिक्कत आता है तो आप लोग गूगल में जाके एज कैलकुलेटर सर्च कर सकते हो और उसका हेल्प लेके आप लोग एज कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको आपका मोबाइल नंबर, जेंडर का डिटेल्स यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको आपका फादर्स नेम, कैटेगरी वगैरह यहीं पे फिल करना होगा। नेक्स्ट उसके बाद आप लोग कौन से डिसिप्लिन में से आपका ग्रेजुएशन या तो डिप्लोमा किए हो तो उसका डिटेल्स आप लोगों को यहीं पे चूज करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहीं पे एक एक करके फिल करना होगा। ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल करने के बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उस डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको अटैच करके एक एनवेलप बना के इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है उसी एड्रेस पे 18 दिसंबर 2021 से पहले स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन और वीडियो का डिटेल्स में इस नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपका कुछ डाउट्स या तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि एग्जाम रिलेटेड हर एक अपडेट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।